मऊ में एएनएम का टीकाकरण लाभार्थी से रिश्वत लेते वीडियो वायरल, मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि टीकाकरण के बाद एएनएम पैसे ले रही है, वही वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। महराजगंज में दो पक्षों में हुई जबरदस्त मारपीट, लाठी डंडे और हाथ में असला लिए लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गांव शीशगढ़ की टोला लक्ष्मीपुर का है वायरल वीडियो, पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। अमेठी में 20 सड़क पुलिस के सामने मारपीट हुई, गाड़ी आगे निकालने को लेकर दो पक्ष सीओ के सामने ही भिड़े। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, कमरौली थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 की घटना। आगरा में पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में आग लगी, आग लगने से सभी जरूरी कागजात जलकर राख हुए, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कासगंज में मथुरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने किसान की बैलगाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में किसान और दो बैलों की मौके पर मौत। गाजियाबाद के कोड़ा इलाके के संगम विहार में जनरल स्टोर में भड़की आग, तकरीबन 7 लोग आग में झुलसे, अस्पताल में चल रहा इलाज। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकान पर सामान देने आए लोग भी झुलसे, फायर विभाग के कर्मचारियों ने बमुश्किल बुझाई आग। आग लगने का कारण सिलेंडर में रिफिलिंग माना जा रहा, फिलहाल मामले की जांच जारी। बरेली में चलती कार बनी आग का गोला, पुलिसकर्मी ने चलती कार से कूदकर जान बचाई। कुछ देर में कार जलकर हुई राख, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू, पीलीभीत रोड पर देर रात हुआ हादसा। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में दो मंजिला घर में लगी आग, घर के ऊपरी हिस्से में आग लगने से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, घटना के वक्त शादी समारोह में गए हुए थे सभी लोग, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। आग के तेजी से फैलने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। झांसी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी गर्भवती महिला, सिपाही ने 9 सेकंड में बचाई महिला की जान। सीतापुर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, अपराधी कृष्ण बहादुर सिंह और नितिन यादव घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों अपराधियों के पास से लूट का सामान और दो अवैध तमंचे बरामद किए, गंगापुर नहर के पास हुई मुठभेड़। एटा में बेटे के ऑनलाइन गेम खेलने की लत, रिटायर्ड फौजी को भारी पड़ी, रिटायर्ड फौजी के अकाउंट से 39 लाख रुपए गायब हुए। फौजी को उसके मोबाइल से ट्रांजैक्शन होने का पता नहीं चला, महीनों से ऑनलाइन गेम खेल रहा था रिटायर्ड फौजी का बेटा, पीड़ित ने साइबर सेल आगरा में दर्ज कराया। गाजियाबाद में लक्ष्य तंवर के फर्जीवाड़े की पड़ताल कर रही पुलिस, अब तक 500 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुकी है उजागर, करोड़ों रुपए के लोन घोटाले के मामले में जेल में बंद है लक्ष्य तंवर। मेरठ में घर में घुसकर दो भाइयों पर फायरिंग, गोली मारकर भागते एक हमलावर को भीड़ ने पीट पीट कर किया अधमरा। घायल भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया, दोनों भाइयों की हालत खतरे से बाहर, हमलावर का चल रहा इलाज। 4 दिन पहले बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद, कल दोनों भाइयों को मिली थी धमकी, मामले में पुलिस ने दूसरे हमलावर को भी पकड़ा। कानपुर में एडीसीपी पूर्वी के ऑफिस में तैनात महिला दारोगा भुवनेश्वरी देवी गिरफ्तार, एसीपी कोतवाली की टीम ने गिरफ्तारी की। महिला दारोगा ने सेक्स रैकेट संचालक से मांगी थी मोटी रकम, पुलिस कमिश्नर ने एसीपी कोतवाली को दी थी मामले की जांच। सीतापुर के मिश्रिक में लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, अपराधी कृष्ण बहादुर सिंह उर्फ डंगरू और नितिन यादव घायल। ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस को दोनों बदमाशों से लूटा गया माल समेत दो अवैध तमंचे हुए बरामद। उन्नाव में इस बार टीम को बड़ी कामयाबी मिली, दीघापुर के भैसई गांव में जुआरियों के अड्डों पर छापा मारा, पुलिस ने 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी ने खुलासा करते हुए बताया आरोपियों के पास 3,47,000 कैश बरामद हुआ, साथ ही मौके से एक कार, 6 बाइक और 11 मोबाइल भी मिले। फरुखाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एसपी का फर्जी पीआरओ बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ठगों के पास से मोबाइल और कैश बरामद किया, गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में अधिकारियों से खनन माफिया ने की बात, बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल, बुढ़ाना हिंडन नदी के पास हो रहा था वैध खनन। एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने 5 करोड़ रुपए की कीमत की 33 बीघा जमीन को जब्त किया। मैनपुरी में खुदाई के दौरान मिली पुरानी सदी के तांबे के हथियार की
एएसआई ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर दी है। एएसआई ने बताया कि इन्हें ताम्र विधियां कहा जाता है। 18वीं सदी में प्रयोग में होने वाली विधि है। उन्नाव में जिला कारागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शुरू की शानदार पहल। कारागार में बंद महिला बंदियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कढ़ाई और बुनाई का काम सिखाया जा रहा। फतेहपुर में विद्युत विभाग ने बिजली बिल के बकायेदारों से की वसूली। बिल जमा नहीं करवाने वालों के कनेक्शन काटे। जिले के सरकारी विभागों में बिजली विभाग के 11 करोड़ रुपए बकाया। गुना में राशन चोरी का मामला सामने आया। घटतौली कर प्रति यूनिट कम राशन दे रहा कोटेदार। इटियाथोक ब्लॉक क्षेत्र के गर्जाधरपुर का पूरा मामला। मेरठ प्रशासन ने एक बड़ी और अनोखी पहल की शुरुआत की है। ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स के लिए 400 से ज्यादा गाँव में लाइब्रेरी खोली जाएगी। बरेली में नवाबगंज थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में महिला कांस्टेबल रो रोकर पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की बात कर रही। वीडियो वायरल होने के बाद महिला सिपाही को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। अब महिला सिपाही ने मुख्यमंत्री से लगाई है न्याय की गुहार। एटा के दिनेश नगर में बिजली चेकिंग करने गई टीम पर हमला। टीम के साथ लोगों ने मारपीट की। टीम के सदस्य के कपड़े भी फाड़ दिए। लोगों ने एक सदस्य को खींचकर घर के अंदर ले जाने और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। बिजली विभाग की टीम से अभद्रता का वीडियो वायरल। लखनऊ माल के रनिया मऊ गांव में जमीन विवाद में विस्फोट से घायल युवा की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने प्रदर्शन किया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर खूब हंगामा काटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया। मौके पर तैनात भारी फोर्स ने मामले को शांत करवाया। यूपी में अग्निपथ योजना में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 1551 गिरफ्तार। 81 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई। अग्निवीरों को पेंशन के लिए अग्निवीर पेंशन आंदोलन चलेगा। 3 चरणों में होगा अग्निवीर पेंशन का आंदोलन। कानपुर कचहरी में वकालत की आड़ में हो रहे अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने कचहरी परिसर का निरीक्षण किया। कार्यकारिणी सदस्यों को देखकर जुआ खेल रहे वकील मौके से फरार हो गए। कानपुर की गंगा में दिखा गोवा और मुंबई जैसा नजारा। लहरों पर तैयार होगी नाविकों की पौध। कानपुर बोट क्लब का हुआ उद्घाटन। सौंपे गई बागपत के बड़ौत जनता वैदिक कॉलेज के स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हो गया। चैंपियनशिप में 27 जनपद के पहलवानों ने हिस्सा लिया। गोंडा के कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह नवाबगंज पुलिस की कार्यशैली से नाराज हो गए। तालाब पर अवैध निर्माण को लेकर सांसद ने पुलिस कर्मियों को जमकर फटकारा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी पहुंची उन्नाव के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। मंत्री के अचानक कार्यक्रम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में अफरा तफरी मची। गुलाब देवी ने जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ बैठक की। जिले के शैक्षिक स्तर पर की चर्चा। कॉलेज में बेहतर पठन पाठन के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा भाजपा सरकार में 5 सालों में बड़ी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। आगे भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक भेजे जाएंगे। मथुरा में महामहिम के वृंदावन आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों में जुटा है। कृष्ण कुटीर के पास बनाए गए हैं 4 हेलीपैड। हेलीपैड्स पर हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ शुरू। यूपी के लोगों को सीएम योगी ने सौगात दी। 11 लाख ग्रामीणों को बांटे घरौनी प्रमाण पत्र। स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल घरौनी प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री ने सौंपा। सीएम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पीएम का आभार जताया। साथ ही बताया यूपी में अब तक 34 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र बांटे जा चुके हैं। बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण। सीएम योगी ने कहा यूपी में 2.5 करोड़ परिवारों को घरौती वितरित करेंगे। घरौनी बांटने के लिए अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि घरौनी से लोग आसानी से बैंक से लोन ले सकेंगे। लोन लेकर अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकेंगे। जब ये जमीन के ग्रामीण आवासीय अभिलेख आपको प्राप्त होंगे, किसी व्यक्ति को कोई व्यवसाय करना हो तो उस अभिलेख के माध्यम से आप जाकर के बैंक से लोन लेने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर पाएंगे और फिर उसके माध्यम से पैसा लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की भी स्थिति आपके पास होगी।
लखनऊ में विज्ञान भारती का पांचवा राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम योगी ने शिरकत की, कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एकेटीयू में हो रहा है दो दिन का अधिवेशन। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी नए ज्ञान को हम विज्ञान मान लेते हैं, ज्ञान कहीं से भी आए उसके लिए अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय दृष्टि अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टि है, किसी भी शुभ कार्यक्रम के लिए हम मुहूर्त निकालते हैं और अंग्रेजी तिथि में कोई मुहूर्त नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को बसपा का समर्थन, लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने की घोषणा की। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। मायावती ने कहा हमारा फैसला एनडीए के पक्ष या विपक्ष के विरोध में नहीं है, पार्टी के मूवमेंट को देखते हुए फैसला लिया है। आदिवासी समाज को हम अपने मूवमेंट का हिस्सा मानते हैं। मायावती ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं कि विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने में बसपा को अलग रखा, मनमाने तौर पर सिर्फ चुनिंदा दलों की बैठक में बुलाया। जहां सर्वसम्मति से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करने का दिखावा करती रही है, तो वही विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठकें करते रहे हैं और इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा विपक्षी पार्टियों का बसपा विरोधी रवैया बरकरार है, बसपा के विरोध में विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव, विपक्षी नेताओं के साथ नामांकन में रहेंगे मौजूद। 27 जून को यशवंत सिन्हा करेंगे नामांकन दाखिल। लखनऊ में एवीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, एलडीए के पूर्व चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह के खिलाफ जांच के आदेश, इंदु शेखर के टेंडर के काम में मिली थी अनियमितता। दिल्ली से सीधे रुद्रपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, किच्छा रोड पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में की शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कल प्रस्तावित रुड़की दौरा, सीएम धामी और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का होगा सम्मान। कांवड़ यात्रा को लेकर रुड़की में भी तैयारियां शुरू, ड्यूटी प्वाइंट चिन्हित कर रही पुलिस, कांवड़ पटरी पर भी कांवड़ियों के लिए किए जा रहे बेहतर इंतजाम। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तीर्थयात्रियों से अपील, चारधाम यात्रा में आने से पहले ही करवाएं पंजीकरण, किसी भी तरह की अफवाह में न आए। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिरिन एक दिन के दौरे पर जौनपुर पहुंचे हैं, उन्होंने पुराने जौनपुर शहर, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, अकबर ब्रिज का दौरा किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए सीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जालौन पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। एलजी के पूर्व मुख्य अभियंता और लखनऊ मंडल आयुक्त के बीच तकरार हुई तेज, पूर्व मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह ने मंडलायुक्त और एलजी के अध्यक्ष रंजन कुमार पर लगाए कई और आरोप। यूपी में 21 आईपीएस अफसरों के तबादले, 5 जिलों के एसपी बदले गए, विपिन कुमार मिश्रा बने डीआईजी चित्रकूट धाम, राकेश प्रकाश सिंह बने डीआईजी मिर्जापुर। आरके भारद्वाज डीआईजी बस्ती बनाए गए हैं, अमरेंद्र प्रसाद सिंह डीआईजी अयोध्या की जिम्मेदारी ले दी गई है, अविनाश पांडे बने हैं एसपी मऊ। सुशील गिले एसपी सीतापुर बने, अमित कुमार आनंद एसपी सिद्धार्थनगर जिन्हें बनाया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी को एसपी वाराणसी ग्रामीण बनाया गया। और यूपी में अब घरों में 2 से ज्यादा कुत्ते नहीं पाल सकेंगे लोग, इसके लिए नहीं मिलेगा लाइसेंस, नगर निगम ने तैयार किया प्रस्ताव, सदन की मंजूरी के बाद लागू होगा नियम। कानपुर हिंसा की साजिश, सरसौल में रचने की आशंका, हिंसा के बाद सरसौल में किसी से मिलने के लिए पहुंचा था हयात, आरोपी जावेद के संपर्क में था सरसौल का शातिर शख्स, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था सरसौल का शातिर शख्स, जावेद के साथ डिजिटल संपर्क नहीं होने के कारण शातिर गिरफ्त से। महिला ब्लॉगर की हत्या के मामले में आगरा पुलिस एक्शन में, आरोपी आकाश काजल और कुसुमा को जेल भेजा। आरोपी अनवर और चेतन की तलाश में जुटी पुलिस, महिला के परिजनों ने बताया काफी दिन से महिला को मिल रही थी धमकी। फ्लैट 404 में ऋतिका और उसका पार्टनर 2.5 महीने पहले शिफ्ट हुए थे, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही किराए पर लिया था फ्लैट। आकाश के साथ 5 लोगों ने कल सुबह 10:36 पर ली थी फ्लैट में एंट्री, पुलिस को दोनों साथियों की भी तलाश। आगरा में महिला ब्लॉगर हत्याकांड में पुलिस की जांच में एक और खुलासा हुआ, हाथ बांधकर अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से महिला को फेंका, आगरा के ओमश्री अपार्टमेंट की घटना। मृतक महिला की पहचान ऋतिका के रूप में की गई है, मृतक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, साथ में रह रहे युवक का पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा है।
आगरा ब्लॉगर हत्याकांड में पुलिस को मिला बड़ा सुराग। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश का वीडियो मिला। वीडियो में सबूत मिटाता दिखा महिला का पति। मौत के बाद गले से फंदा हटाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक वारदात के वक्त महिला के फ्लैट में कई लोग मौजूद थे। गाजियाबाद में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना के एक्टिव केस 394। धर्मनगरी काशी से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना। पहले जत्थे में सेवादारों ने सद्भावना यात्रा निकाली। सेवादारों ने श्रद्धालुओं को कश्मीर के हालत से नहीं डरने की अपील की। सद्भावना यात्रा में सेवादार बाबा बर्फानी और काशी विश्वनाथ के जयकारे लगाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिव सैनिकों की तोड़फोड़ जारी। पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में मचाया उत्पात। तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाला बाबा साहेब ठाकरे की तस्वीर निकालकर साथ ले गए। ऑफिस की दीवार पर गद्दार लिखा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।